अनफॉर्चुनेटली एक डेड बॉडी मिला, उसका बारे में छोटा सा एक प्रेस ब्रीफिंग दे देगा ताकि पब्लिक को भी कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहला तो फैमिली को मेरा कॉन्डोलेंसेस इतना दुख तकलीफ से गुजरने के लिए। दूसरा बात जो फैक्ट है और जो कुछ पोर्शन इन्वेस्टिगेशन में है उसके बारे में आप बताएंगे। ये कल का बात है 18/5/2022 करीब अराउंड 5:49 सुबह का 5:49 पे कॉल आया, आके बोला कि वो रेलवे का गार्ड है तो एक आदमी को रेलवे विस्तादम जो रेल है उससे टक्कर मार दिया करके। तो तुरंत हमारा पुलिस टीम गया, जाके देखा तो अनफॉर्चुनेटली वो डेड बॉडी मिला। आइडेंटिफाई नहीं कर पाया क्योंकि पूरा आप लोगों ने पिक्चर में भी देखा होगा तो बहुत सॉरी स्टेट पे था जो बॉडी है। उसके बाद हम लोगों ने फ्लैश किया पकुंबर पुलिस की तरफ से, सभी जगह पे ये एक मैसेज भेजा कि ये किसका कौन हो सकता है, आप लोग थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए। क्योंकि उसका सामने में एक हम लोगों को एक मोबाइल मिला, मोबाइल में जब हम लोग नंबर को निकाला, नंबर को ट्रू कॉलर में लगाया तो ट्रू कॉलर में उसका नाम फ्लैश हुआ तची थकर करके। तो उसके हिसाब से फिर उसका साथ में थोड़ा डिटेल लगा के हम लोग ने भेज दिया। तो बाद में उसका परिवार लोग आया, हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा ऑनरेबल मिले बच्चे का सुसाब का फैमिली वाला लोग कांटेक्ट करके बाद में कंफर्म किया कि उसका परिवार है। तो बाद में हम लोग पोस्टमार्टम करवा के उन लोगों को हैंड ओवर कर दिया। इन द मीन टाइम हम लोगों ने फिर जो भी है CDR निकालना है मोबाइल फ़ोन में, ये किसका साथ बात किया 17/18 में किसका साथ बात किया, उसको भी हम लोग ने देखा, CCTV चेक किया, घर का CCTV चेक किया। तो उसके बाद जैसा रेलवे वाला स्टेशन मास्टर भी कॉल करके बताया कि उन लोगों ने ऐसे हिट किया करके, उसको भी वेरीफाई किया। जो विस्तादम जो ट्रेन है उसको भी हम लोग ने, उसका जो ड्राइवर है उसको भी, जो पायलट है लोको पायलट उसको भी हम लोग ने जो एग्जामाइन किया। तो उसका एग्जैक्टली कहना था कि ये बंदा जा रहा था तो उन लोग भी यहाँ से ये बिटवीन ये गुमतो और नाहरलगुन का बीच में है 16/0/215/9 का बीच में जो है किलोमीटर, उन लोगों का रेलवे का ऐसे किलोमीटर लिखा होता है उसका बीच में, वो गुमतो और नाहरलगुन का जो बीच में है। तो उसको भी हम लोगों ने, ड्राइवर को भी जब आए वो बात किया, एग्जामाइन किया तो वो बताया कि एक बंदा जा रहा था तो फिर पीछे से उन लोगों ने हॉर्न मारा, सुना नहीं। तो इसके बाद में वो ट्रेन जो ब्रेक मारा उन लोगों, लेकिन ब्रेक तो ट्रेन का तो ब्रेक तो यहाँ मारने से काफ़ी दूर में रुकता है तो अनफॉर्चुनेटली उसको हिट हो गया। तो यहाँ मारा वाला उधर पे रुका, बोला रुक तो गया लेकिन आदमी को लग गया फिर क्या करेगा करके वो लोग ट्रेन जो चला गया, ऐसे करके बताया। तो ये है एग्जैक्टली वो है। तो बाद में जब हम लोग जाँच पड़ताल फिर किया, CCTV देखा, CCTV में भी ये बंदा जो है सुबह वॉकिंग करने के लिए सुबह करीब 17 को घर से निकाला, वॉक कर रहा था, उसमें जो व्हाट्सएप स्टेटस में भी जो दिखता है सांप को चेस कर रहा होता है ऐसे करके, ऐसे कुछ दिखाई देता है वट एवर। तो इसमें ये है कि बेसिकली ये है कि हम लोग ने जब उसको एग्जामाइन किया तो उसमें मोटा मोटी ये निकाला कि जो है लेट तची तक वो थोड़ा सा पर्सन विद डिसेबिलिटी विद स्पेशल एबिलिटी था, पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी था। तो इसके कारण से शायद वो हॉर्न वॉर्न सुनाई नहीं दिया होगा और ये हादसा हो गया होगा। बट स्टिल हम उसको इन्वेस्टिगेशन पे रख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंप्लीट नहीं है। हम एक दुईमुख PS केस नंबर 6/22 अंडर सेक्शन 174 CRPC में रजिस्टर करके रखा हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन ओपन है, देखिएगा क्या फर्दर क्या होता है। एज ऑफ नाउ प्राइम एफ एस ऐसा हादसा ऐसे हुआ करके एज ऑफ नाउ ये है। Sir, do you think is there any kind of foul play in the accident? ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन फर्दर फिर करेगा, डीपली देखेगा। एज ऑफ नाउ तो फ्रेम ऑफ पेशे आपको जो बताया है ये है, बट स्टिल हम अलग एंगल भी देखने का कोशिश करेगा। पुलिस का तो ये काम है शक करना, सब चीज़ पे शक करना, हम सब चीज़ पे शक करके देखेगा, जो मिलता है उस पर हर चीज़ पे हम लोग डिटेल देखेगा।
सीनियर का सुपीरियर का भी इस पर काफ़ी वो है, सुपरविजन है, हम भी सुपरवाइज कर रहे हैं। हमारा जो ग्राउंड में ऑफिसर्स है, OC है और SDPO है, जो IO है लगा हुआ है, जो मिलता है देखिएगा उसका हिसाब से जो भी कंक्लूजन निकलता है आप लोगों को पता चल जाएगा। और सर फैमिली का तरफ से ऐसे कुछ है क्या सर, मर्डर हुआ ये कुछ ऐसे? फैमिली को जब ये कहानी बताया गया तो जो ट्रेन वाला का कहानी है उसका बताया गया तो फैमिली भी होगा, तो आप लोग जैसा इन्वेस्टिगेशन करेगा वैसे हम लोग भी देखेगा, जो मदद चाहिए हम लोग भी देगा करके बता के रखा हुआ है। फैमिली भी अभी एज ऑफ नाउ आवर ग्रिप में फैमिली वाला से भी क्या हम आप हम क्या ज़्यादा बोलना है कि नहीं ना, यही है कि इस समय पर हम लोग साथ देना है। सिर्फ ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन हमारा ऑफिसर से भी बात किया, हम लोग ने बात किया पुलिस, वो ये हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ट्रेन ये घूमतो तो नाहरलगुन का बीच में जो हादसा काफ़ी हो रहा है, तो इसमें लास्ट टाइम बोरवली भी एक रिक्वेस्ट किया कि आपका ट्रेन का स्पीड को या में थोड़ा कम करें, अदरवाइज हमारा लोग तो पुलिस टीम पेट्रोलिंग तो करता ही है लेकिन पुलिस 24/7 तो उधर तो नहीं रह सकता है, एक टाइमिंग में पेट्रोलिंग कर सकता है, तो ये पेट्रोलिंग करके आगे चला गया ये पीछे में भी हादसा हो सकता है, तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन अथॉरिटी को रेलवे अथॉरिटी को अभी भी यह आप लोग का माध्यम से भी एक रिक्वेस्ट है, अदरवाइज भी हम वर्बली भी बात किया हुआ है, ऑफिशियली भी लिखना होने से देख लेगा कि ये जो इलाका में है थोड़ा सा ट्रेन का स्पीड को घटी को थोड़ा कम कर दे, स्पीड थोड़ा कम करेगा तो ताकि ब्रेक मारने में भी आसान होगा सर, तो वही हम इस जब ना रिक्वेस्ट करेगा सोच रहे हैं, अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल जो पेट्रोलिंग करना है वो तो कर ही रहा है, हमारा तरफ से जो है जो मदद मिल रहा है इन्फॉर्मेशन मिलता है हम तुरंत पहुँच जाता है, जो करना है तो थैंक यू सर।